हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं जिसने आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे असम में फिर से स्वागत करती हूँ। और अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया इन्फॉर्मेशन। और आज का इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का रिसेंट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। आप लोग को पता ही है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ITI रिलेटेड जॉब की अपडेट देती हूँ। ITI मतलब ITI का जो भी हो, कोर्स हो या NCERT नोटिस हो, जो भी ITI रिलेटेड उसका अपडेट देती हूँ। अगर आप लोग ITI से जुड़े हुए हैं तो फिर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अभी देखते हैं किस चीज का निकला है वैकेंसी। ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का है ये, पुणे खड़कवासला का है पोस्ट। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कौन सा है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फील आप द फॉलोइंग ग्रुप सी वैकेंसीज के लिए है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का है। और ये ऑल इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए पोस्ट है लोअर डिविजन क्लार्क के लिए। यहाँ पर आप लोग को एज लिमिट दिया है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। और यहाँ पर आप लोग का पे स्केल रहेगा PML 2। और यहाँ पर जनरल के लिए है यहाँ पर 12 पोस्ट, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 9 और EWS के लिए 2। टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट है। और बाकी PWBD के लिए 2 और ESM के लिए 4 है एक्स्ट्रा। और यहाँ पर देखिए पेंटर के लिए है 18 से लेकर 25 ईयर्स एज लिमिट, और यहाँ पर भी 2 है PML। और यहाँ पर टोटल पोस्ट है आप लोगों का 1 सिर्फ UR के लिए। उसके बाद ड्राफ्टमैन का है एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक, और यहाँ पर भी एक ही पोस्ट है UR के लिए। उसके बाद है सिविलियन मोटर ड्राइवर OG का, यहाँ पर भी एज लिमिट सेम ही है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। और यहाँ पर PML 2 है आप लोग का पे स्केल। और यहाँ पर आप लोगों का टोटल पोस्ट है 8। और यहाँ पर अभी देखिए कंपोजिटर कम पेंटर का है 18 से लेकर 25 ईयर्स एज लिमिट, और यहाँ पर एक ही सीट है। और सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट में है 1 सीट। उसके बाद कुक के लिए है यहाँ पर 12 सीट। उसके बाद है फायरमैन के लिए 10 सीट। उसके बाद ब्लैक स्मिथ के लिए है 1, और TA बेकर एंड कॉन्फेक्शनर के लिए 2 है, और TA साइकिल रिपेयर के लिए 5 है टोटल। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग MTS एंड ONT के लिए है, यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर्स है। और यहाँ पर टोटल सीट है 182। और यहाँ पर एक्स्ट्रा PWBD के लिए 8 है, और इधर 18 है टोटल आप लोगों का। यहाँ पर सीट है 251। और यहाँ पर देखिए दिस एकेडमी स्ट्राइव्स टू हैव वर्क फोर्स द रिफ्लेक्स मतलब जेंडर बैलेंस एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, मतलब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन दिया है SC ST के लिए 5 ईयर्स, और OBC के लिए 3 ईयर्स, और PWBD और ESM के लिए भी है यहाँ पर। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी फिल, मतलब ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप लोग का वेबसाइट रहेगा https://nd.gov.in पर। यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन 21 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकलने के 21 डेज तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उससे पहले कर लीजिएगा। और अगर ये PDF अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को PDF डाल दूंगी। आप लोग वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, और टेलीग्राम में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जनरल मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पर भी लिखा है 21 डेज से पहले आप लोग को करना पड़ेगा अप्लाई, उसके बाद आप लोग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, लोअर डिविजन क्लार्क के लिए 12 क्लास चाहिए, उसके बाद स्किल टेस्ट चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी में लगेगा कंप्यूटर। उसके बाद और यहाँ पर देखिए प्रिंटर के लिए चाहिए आप लोग का 12 क्लास, उसके बाद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड से। उसके बाद यहाँ पर उसके अलावा अगर आप लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ITI आप लोग पास सर्टिफिकेट है प्रिंटर से, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से लगेगा। उसके बाद यहाँ ड्राफ्ट मैन के लिए भी 12 क्लास चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप ऑफ ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स का। उसके अलावा अगर आप लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब ITI से सर्टिफिकेट है ड्राफ्ट मैन का, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से मांग रहे हैं। उसके बाद सिविलियन मोटर ड्राइवर का है, यहाँ पर आप लोग का 12 चाहिए, उसके बाद मास प्रोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसके बाद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से मांग रहे हैं। उसके बाद कंपोजिटर कम पेंटर का है, यहाँ पर भी आप लोग का 12 क्लास चाहिए, उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर
है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का, यहाँ पर भी 12th क्लास चाहिए मतलब पास और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद कुक का भी यहाँ पर है आप लोग का 12th क्लास, उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से। उसके अलावा अगर आप लोग का आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से पास सर्टिफिकेट है कुक का तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस तो मांग ही रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्लैक स्मिथ का, वहाँ पर भी 12th क्लास चाहिए, उसके बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, और फायरमैन का चाहिए मेट्रिकुलेशन, उसके बाद मास प्रोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड का चाहिए, और या फिर फायर फाइटिंग एप्लीकेंसेस एंड टेलर का फायर पंप्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद मास भी फिजिकली फिट होना पड़ेगा आप लोगों का, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड मतलब मांग रहे हैं, और नोट यहाँ पर हाइट वगैरह यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट बेकर कॉन्फ्रेक्टर का यहाँ पर आप लोग को चाहिए होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब ITI से बेकर कॉन्फ्रेक्टर का मतलब सर्टिफिकेट, उसके बाद मैट्रिक या फिर अगर मैट्रिक है और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस है वर्किंग एज बेकर का तो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंस साइकिल रिपेयर का, यहाँ पर भी ITI चाहिए आप लोगों का साइकिल रिपेयर से, उसके बाद मैट्रिक और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए वर्किंग एज साइकिल रिपेयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस ट्रेनिंग का, यहाँ पर आप लोग को मैट्रिक पास चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पर आप लोग को पता है कि एज रिडक्शन दिया गया है पहले ही मैंने बताया था, और यहाँ पर रिजर्वेशन ST SC OBC के लिए है और EWS के लिए भी है और PWBD ESM सभी के लिए यहाँ पर रिलेक्शन दिया गया है, और यहाँ पर गाइडलाइन दिया है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का कैसे करना पड़ेगा, आप लोग को मैं PDF डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा वहां से। और यहाँ पर देखिए आप लोग का सिलेबस और रिटर्न एग्जाम होगा, उसका सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, स्किल ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप लोग का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्जाम के बेसिस में। और गाइज आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का रिसेंट अपडेट आप लोग को मिलता रहे, और ये PDF अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके अच्छे से यहां पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर और कैसे अप्लाई करना होगा ये सब देख लीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बाय बाय गाइज।